तो अभी जो 2004 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या हुआ है, एक ड्राफ्ट फॉर्म हुआ है जिससे कि बीएसपी फॉरेस्ट्री जो है वो सबके लिए इन लोगों ने ओपन कर दिया है अकॉर्डिंग टू ऑल द हमारी कि हमारे जो ये मुतालबात हैं इनको सुना जाए, अच्छी तरीके से इन पर गौर किया जाए और इनको अच्छी तरीके से इंटरवीन किया जाए, हम तक हमारा हक पहुंचा दिया जाए। आप देख रहे हैं एडीआर की पोस्ट जो है उसमें इन्होंने जनरल्स को भी अलो कर दिया है फॉर्म लगाने के लिए, बहुत पहले उसको इन्होंने ये कर दिया और उसके बाद आज रेंज ऑफिसर की पोस्ट में भी जनरल को अलो कर दिया। हमारी ये मांग है कि ACF से लेके फॉरेस्ट गार्ड तक जो फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, दो यूनिवर्सिटीज कास्ट के और कास्ट जम्मू से जो पास आउट होते हैं या कहीं से भी देश भर से कहीं से भी करके फॉरेस्ट्री की पढ़ाई आते हैं, उनको रिजर्वेशन होनी चाहिए। अभी जो हमारा ये प्रोटेस्ट है वो बेसिकली इसलिए चल रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू 1970 अमेंडमेंट जो हुई थी उससे जो फॉरेस्ट्री की जो पोस्ट है वो सिर्फ फॉरेस्ट्री स्टूडेंट्स के थे, बेसिकली जो रेंज ऑफिसर का पोस्ट है। तो हमारा ये प्रोटेस्ट है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये अमेंडमेंट लाए कि ये सिर्फ फॉरेस्ट्री के लिए। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बीएससी की डिग्री कर रहे हैं, 3 साल एमएससी में दे रहे हैं, 4 साल पीएचडी में दे रहे हैं, हम लोग 11 साल दे रहे हैं एक डिग्री को और गवर्नमेंट को 11 मिनट नहीं लग रहे हमारी इस डिग्री को उठाकर डस्टबिन में फेंकने में। नहीं होगा बर्दाश्त, नहीं होगा बर्दाश्त।